press the bell icon on the YouTube app and never. क्या राज जानती थी इंटर्नी डॉक्टर आरजीकर की? क्या लिखती थी वो डायरी में सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं मिलने दिया गया 3 घंटे उसके माँ बाप को उसकी उसकी बॉडी से? क्यों नहीं देखने दिया गया 3 घंटे उसके माँ बाप को उसकी उसके शव से, उसके उसके मरे हुए शरीर से, उसके बिखरे हुए शरीर से? क्यों नहीं था उसके शरीर पर एक भी कपड़ा? क्यों उसके अंग के 47 हड्डियां टूटी हुई थी? क्यों उसके वर्जाइना से मरने के कई घंटों के बाद भी खून निकल रहा था? क्यों बॉडी के पोस्टमार्टम होने के बाद ये पता चला कि 158 ग्राम सीमेंट पाया गया है? मतलब आरोपी सिर्फ एक नहीं था, आरोपी अनेक थे। क्या मुसलमान पुरुषों की नजर में इस 21वीं सदी में भी हम सिर्फ मांस का एक लोथड़ा है? क्या हम सिर्फ सेक्स टॉय है? क्या हमें किसी किसी प्रोफाइल पर देखना, क्या सच में मुसलमान पुरुषों को या किसी को भी, किसी भी पुरुषों को समझ में नहीं आता है? सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमने निर्भया का कांड देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी, और निर्भया के आरोपियों को सजा दिलाने में 7 साल 3 महीना लग गया और एक ऐतिहासिक सजा मिली कि आरोपियों को फांसी की सजा मिली। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां पर मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति, मुसलमान घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने की राजनीति, जहां पर मदरसे की और मजार की राजनीति, जहां पर इमामबाड़े और हज हाउस की राजनीति करते 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 कहीं ना कहीं मुसलमानों को खुश करते करते ममता बनर्जी, जो पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, वो ये भूल गई कि सिर्फ सुरक्षा मुसलमानों को इमामबाड़े को नहीं चाहिए, इस देश की महिलाओं के साथ साथ इस राज्य पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भी चाहिए था। आज आवाज में गड़गड़ाहट है, आज आवाज में जोश है, आज महिलाएं रोड पर हैं, कोई पार्टी के दल या झंडे वाली महिलाएं नहीं है। आज आम साधारण महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और अपने न्याय के लिए भीख नहीं मांग रही है, इंसाफ की भीख नहीं मांग रही है, सरकार की आंखों में आंखें डाल करके पूरे जोश के साथ कह रही है कि अगर तुम मेरी हिफाजत नहीं कर सकती तो चेयर छोड़ दो और चेयर से उठ जाओ। 4 शादियों का की इजाजत देते देते मुस्लिम पुरुषों को ममता बनर्जी ये भूल गई कि इस राज्य में, इस पश्चिम बंगाल में महिलाएं रहती हैं और जिसकी सुरक्षा बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। शर्माती है मुझे 2011 में जब मुख्यमंत्री बनकर के, चीफ मिनिस्टर बनकर के जब ममता बनर्जी साहिबा ने ओथ लिया था, शपथ लिया था, तो सबसे ज्यादा उछलने वाली और कूदने वाली मैं थी और मैंने कहा था कि एक महिला मुख्यमंत्री जयललिता के बाद एक ऐसी आई है जिससे महिलाएं बहुत सुरक्षित होंगी। पर दूसरे ही साल 2012 5 फरवरी को जब दो मुसलमान नासिर खान और कादिर खान ने एक क्रिश्चियन लड़की का रेप किया, गैंग रेप किया दो भाइयों, मुसलमान भाइयों ने मिल करके, और ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि नहीं ये तो सजी हुई घटना है, और उनके ही सांसद का ये बयान आया कि लड़की क्रिश्चियन है ना, मुसलमानों पर आरोप लगा रही है। उसी दिन मैंने कह दिया था कि मुख्यमंत्री महिला तो जरूर है पर लड़कियों के लिए जज्बात एहसास उनके दिल में नहीं है। एक मुख्यमंत्री होती है जो इंसान सबसे ज्यादा होती है और एक मुख्यमंत्री होती है जिसके लिए सत्ता की लालच सबसे बड़ी होती है। क्या राज जानती थी इंटर्नी डॉक्टर आरजीकर की? क्या लिखती थी वो डायरी में सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं मिलने दिया गया 3 घंटे उसके माँ बाप को उसकी उसकी बॉडी से? क्यों नहीं देखने दिया गया 3 घंटे उसके माँ बाप को उसकी उसके शव से, उसके उसके मरे हुए शरीर से, उसके बिखरे हुए शरीर से? क्यों नहीं था उसके शरीर पर एक भी कपड़ा? क्यों उसके अंग के 47 हड्डियां टूटी हुई थी? क्यों उसके वर्जाइना से मरने के कई घंटों के बाद भी खून निकल रहा था? क्यों बॉडी के पोस्टमार्टम होने के बाद ये पता चला कि 158 ग्राम सीमेंट पाया गया है? मतलब आरोपी सिर्फ एक नहीं था, आरोपी अनेक थे। क्या मुसलमान पुरुषों की नजर में इस 21वीं सदी में भी हम सिर्फ मांस का एक लोथड़ा है? क्या हम सिर्फ सेक्स टॉय है?
क्या हमें किसी किसी प्रोफाइल पर देखना क्या सच में मुसलमान पुरुषों को या किसी को भी किसी भी पुरुषों को समझ में नहीं आता है। लोग हमेशा मुझे टारगेट करते हैं कि मैं तो मुसलमान के खिलाफ बोलती हूँ, पर आज मैं संजय के खिलाफ बोल रही हूँ, एक हिंदू के खिलाफ बोल रही हूँ। मैंने शैला कई बार आपसे कहा है कि बलात्कारी गुनहगार अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, मेरी नजर में वो एक आरोपी है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। जो जहर मेरे मुंह से एक आरोपी के लिए निकलता आया है, निकलता रहेगा, और कोई मुझे नहीं रोक सकता। आरोपी कोई भी हो शैला, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आरोपी आरोपी होता है। आरोपी को आरोपी की नजर से ही देखा जाता है। और मैं फांसी की सजा चाहती हूँ बीच चौराहे पर। मैंने हमेशा शैला पाकिस्तान के चैनल पर बैठ करके ये कहा है कि नोटिस कीजिए कि आपके मुसलमान पुरुष पॉर्न मूवी सबसे ज्यादा देखते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आप पाकिस्तान में नोटिस कीजिए कि आज भी आपके आपके मुसलमान पुरुष महिलाओं को एक सेक्स टॉय की नजर से देखते हैं। पर आज मैं ही नाजिया इलाही खान इस बात को कह रही हूँ कि जो पुलिस का स्टैंप लेकर के अपनी छाती के वर्दी पर घूम रहा था, वो भी पॉर्न मूवी देखता था, वो भी नशे के हालात में धुत रहता था। मैं पूछना चाहती हूँ एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री से, ममता बनर्जी साहिबा से, कि आप पुलिस मंत्री भी हैं, आपने किस हिसाब से ऐसे चरसी गंजेड़ी और पॉर्न मूवी देखने वाले पुलिस की ड्यूटी आपने मेडिकल हॉस्पिटल, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दी? कौन से राज छुपे हैं उस डायरी में जो उस बेचारी इंटर्नी को का मर्डर कर देना पड़ा, चीथड़े उड़ा देने पड़े उसके? सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं कि आर्टिकल में क्या सिर्फ बलात्कार हुआ है, क्या सिर्फ हत्या हुई है, या ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती थी, या सेक्स रैकेट चलता था, या दवाओं का रैकेट चलता था, या मेडिसिन का रैकेट चलता था, या चरस और गांजा और कोकीन का रैकेट चलता था? वो कौन से राज है जिसको छुपाने के लिए तीन घंटे पुलिस ने समय लिया? वो कौन सा राज है जिसको छुपाने के लिए, और वो कौन लोग हैं जिसको बचाने के लिए बहुत चेष्टा चल रही है महिला मुख्यमंत्री की, एक महिला होकर के? मैंने तब भी आवाज उठाई थी जब सुशांत सिन्हा का मर्डर हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि जिस रूम में हत्या हुई है, उस रूम में व्हाइट वॉश क्यों करवाया गया, मतलब एविडेंस बैनिश करने की कोशिश की गई है। और मैंने आज भी आवाज यही उठाई है पिछले 7 दिन से कि आखिर क्या वजह है कि जिस जगह पर रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसकी दीवारें तोड़ दी गई, क्या वजह है कि उसको अंडर रेनोवेशन डाल दिया गया, क्या वजह है कि उसमें इंटीरियर कराने की कोशिश की जा रही है, क्या वजह है कि उसमें कंस्ट्रक्शन कराने की कोशिश की जा रही है, क्या वजह? अरे बताइए ना, महिला मुख्यमंत्री है ना। मैंने हमेशा शैला ये बात कही है कि मैं छुपाऊंगी कुछ भी नहीं, गलत कोई भी करेगा मैं बोलूंगी। पर होता क्या था कि जब तक मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी, तब तक सिर्फ वन साइडेड बात जाती थी, तब तक सिर्फ पाकिस्तान को यही पता चलता था कि मुसलमान यहां पर अत्याचारित है। लेकिन जब से मैं बैठने लगी, मैंने सारी सच्चाइयों को रखा, और आज भी मैं हिचकिचा नहीं रही, मैं आज भी बोल रही हूं कि फांसी की सजा बीच चौराहे पर देना पड़ेगा ऐसे आरोपी को, बीच चौराहे पर। जब यह पता चल चुका है कि इंटर्नी डॉक्टर की बॉडी से 158 ग्राम सिमेन पाया गया है, तो आखिर बाकी के आरोपी कहाँ हैं? कहाँ, बिल्कुल, और कोई सबूत भी नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी छुपाने की कोशिश की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाने की कोशिश की है 14 अगस्त की रात, जब आप अपने पाकिस्तान की सालगिरह मना रही थी, और आपके यहाँ एक यूट्यूबर लड़की को चारों तरफ से घेर करके उसको मोलेस्ट किया जा रहा था बीच चौराहे पर। तो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था इंटर्नी डॉक्टर की इज्जत को, इज्जत के इंसाफ के लिए, और तब भी एक बहुत बड़ा गैंग 14 अगस्त की रात को, जहाँ पूरे देश के हर राज्यों में नाका लगा होता है, पुलिस पोस्टिंग होती है, हर गाड़ियां सर्च की जाती है, वैसे हालात में कैसे चले आते हैं गुंडे, और कैसे आर्जिकल हॉस्पिटल का पूरा सीसीटीवी कैमरा का रूम ही तोड़ डालते हैं? कैसे? पुलिस मंत्री तो हमारी महिला मुख्यमंत्री है, वो तो खुद आज प्रोटेस्ट पे उतरी हुई थी। किससे प्रोटेस्ट कर रही थी? क्या महिला मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी साहिबा अपने आप से पूछ रही थी कि आपके राज्य में, ममता बनर्जी ये बताओ कि तुम्हारे राज्य में कैसे बलात्कार हो जाता है। ममता बनर्जी अपने आप से पूछ रही थी कि ये बताओ ममता बनर्जी तुम्हारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से कैसे डेवेस्टेट और रुइन होता है। ममता बनर्जी पूछ रही थी अपने आप से कि तुम्हारे राज्य में क्यों महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप से पूछ रही थी कि क्यों हमेशा ममता बनर्जी तुम ही बलात्कारियों को बचाने के लिए मैदान में उतर जाती हो। क्या ममता बनर्जी अपने आप से पूछ रही थी कि ममता बनर्जी बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकती तो छोड़ दो ना चेयर, हट जाओ ना चेयर से। क्या ममता बनर्जी अपने आप से पूछ रही थी कि तुम्हारे भी घर में बहू बेटी है। क्या ममता बनर्जी रोड पर प्रदर्शन करते वक्त अपने आप से पूछ रही थी कि क्यों नहीं सुरक्षित रख पा रही हो इस राज्य की बेटी को। क्या ममता बनर्जी अपने आप से पूछ रही थी कि तुम एक फेलियर चीफ मिनिस्टर हो। क्या ममता बनर्जी अपने आप से पूछ रही थी कि तुम सिर्फ एक फेलियर चीफ मिनिस्टर नहीं हो बल्कि एक फेलियर महिला भी हो। यह क्या खुद वो अपने आप से पूछ रही थी? क्या क्या मतलब बनता है जिसकी सरकार यहां पर है, जो खुद पुलिस मंत्री है, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो रोड पर उतर करके वो प्रदर्शन कर रही है, तो वो सवाल किससे पूछ रही है? सवाल किससे पूछ रही है? वो सवाल अपने आप से पूछ रही है ना। और मैं पूछना चाहती हूँ कि डेटास बता रहे हैं कि आपने हमेशा बलात्कारियों का समर्थन किया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की कोलकाता केस के बारे में, जिसकी वजह से आज पूरे देश में रोष है और प्रदर्शन हो रहे हैं, और आपने देखा नाजिया खान जी ने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया और ये सवाल पूछे कि ममता सरकार लगातार क्यों सबूत छुपाने की कोशिश कर रही है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।